अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देख लो अपने दोनों बेटों को, इस लड़की के पीछे दोनों आने को तैयार हैं। तुम बताओ इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा आशिक तुम्हारे लिए जान दे सकता है? अंदर आ जाओ सब। गद्दार, लूट लो इस घर को, आधा तो हमने पहले ही खाली कर दिया है। जो पचा कुचा है समेट के निकलो यहाँ से जल्दी। कहाँ कहाँ अंदर 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 कहाँ जा रहे हो आप लोग? जल्दी करो। ओए, मंदिर से भगवान की मूर्ति और मुकुट वगैरह भी उठा ले, सब सोने चांदी का है। तू चुप। तू कौन है मेरी माँ? हाथ मत लगाना। अंशुमन कोई होशियारी नहीं, तुम अगर अपना मुंह बंद रखती ना और हमें अपनी सास मान लेती तो इस सब की नौबत नहीं आती। झगड़ा नहीं, देखो जो भी तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ, सब ले जाओ, हम फिर बना लेंगे, लेकिन हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए, और अपने साथ इस घर के गद्दार बेटे को भी ले जाओ। गद्दारों की जरूरत तो हमारे गैंग में भी नहीं होती। पुलिस ने तुम सबको घेर लिया है, गिरफ्तार करो सबको। सुमन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, याद रखना हम वापस आएंगे और तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को बर्बाद कर देंगे। अगली बार आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो याद रखिएगा, अंशुमन को सुमन के सामने ढाल की तरह खड़ा पाएंगे हम, और हम अपने अंशुमन जी की रक्षा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा चक्रानी, हम अपने और अपने पूरे परिवार के लिए चाहे हमारे सामने कितने भी दुश्मन क्यों ना आए, हम और अंशुमन जी ढाल की तरह सामने खड़े होंगे अपने परिवार के, फिर चाहे वो दुश्मन कितने भी खतरनाक क्यों ना। और जब पति पत्नी साथ होते हैं ना तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको ले जा रहे हैं तो इस गद्दार को भी साथ ले जाइए, यह भी इनकी साजिश में शामिल था। चल Oh!
नंदन को पुलिस के हवाले करना सही कदम नहीं था। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब जानते कि नंदन इमोशनली कितना इमैच्योर है, उसका मन कहीं टिकता ही नहीं है जब से वो वापस लौटा है, और उसी का फायदा उठाकर उस जगरानी ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, और अब हम परिवार वाले हैं कि ऐसे में उसे जेल भेज दिया। अरे घोर अनर्थ, घर के बच्चे का दुख दर्द तकलीफ देखने बूझने समझने के बजाय घर के लोग ही मिलकर उसको जेल भिजवा दिए। अरे हमारा ही खानदान एक ऐसा खानदान है जहाँ किसी और का तकलीफ के कारण घर के बच्चे को सजा दे के एक मिसाल खड़ा किया जाता है। वाह, गजब ही तमाशा हुआ इस घर में, बस हमें ही इस तमाशा का कोई फायदा नहीं उठा पाए, कुछ तो करना चाहिए नहीं तो अनपच हो जाएगा हमको तो। भाई बड़गी बहू, कभी कभी कुछ ठीक करने के लिए कोई कठोर कदम उठाना जरूरी होता है। आज की घटना से साफ हो गया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद नंदन अपनी जिंदगी को सही तरीके से पटरी पर लाना ही नहीं चाहता। कितने मौके दिए हम लोगों ने, लेकिन वो सुधरना ही नहीं चाहता। इतना सब कुछ होने के बाद भी नंदन ने वही गलती दोबारा दोहराई। रहने दो से एक दो दिन जेल में, अकल ठिकाने आ जाएगी, शायद कुछ बदलाव आ जाए, फिर जाकर हम उसकी जमानत करवा लेंगे और ले आएंगे घर वापस। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी, आज नंदन के बर्ताव की वजह से पूरा परिवार शर्मिंदगी से गुजर रहा है, और नंदन को कानून के हवाले सौंप कर हम सब ने उसे एक मौका दिया है सुधरने का, और भाभी इसी में उसकी भलाई भी है। हम उसकी माँ हैं, फिर भी यही कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। अगर हम चाहते हैं कि नंदन में बदलाव आए, वो अपनी गलती ना दोहराए, तो ये जरूरी है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। अगर हम चाहते हैं नंदन अपनी जिम्मेदारी समझे, तो उसमें बदलाव लाना जरूरी है। ठीक हुआ, अच्छा हुआ जो उसे पुलिस पकड़ के ले गई, दुखदाई है, मन को घाव देता है, लेकिन शायद यही उसके लिए बेहतर हो। वाह, ऐसे बदलाव आएगा उसके अंदर, उसे पुलिस के हवाले कर देना कैसे सही है, पर हम सब उसे बस सुधारने का सोच रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि उसने ये सब क्यों किया, क्या चल रहा है उसके मन के अंदर, क्या बीत रही होगी, किसी ने भी ये सब समझने की कोशिश की, सबको बस उसे जेल भेजना सही लग गया। पर माँ आप उसे समझने की बजाय उसके जेल जाने की तरफदारी कर रही है। बस नंदनी, कोई ऐसे बात करता है अपनी माँ से, माफी मांगो, और ये मत भूलो कि इन सारी बातों से सबसे ज्यादा तकलीफ सुन भी माँ को ही हो रही है इस वक्त। सुमन तू तो ना चुप ही कर, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ तो तेरी वजह से हुई है, कभी उसका साथ देगी, कभी उसकी मदद लेगी, और कभी एकदम से उसका साथ छोड़ देगी, बिना ये समझे कि वो इमोशनली कितना परेशान है। नंदनी